नमस्कार दोस्तों, दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल के हिंदी मीडियम के सेशंस में आपका स्वागत है। ये हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है आयु भिन्न और समीकरणों से रिलेटेड सवाल, राइट। इस सेशन के अंदर हम पहले तो ये सीखेंगे समीकरण क्या होते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है ये है समीकरण क्या होते हैं, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको ये कहा कि बी ए के दोगुने से, ए के दोगुने से 20 अधिक है, 20 अधिक है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, बी ए के दोगुने से 20 अधिक है, मतलब बी हो गया या कितना हो गया 2a, ये तो हमें समझ में आता है, राइट। अब आप ध्यान से देखो दोनों में ज्यादा क्या है, दोनों में ज्यादा कौन है, बी ए के दोगुने से अधिक है, तो बी अधिक है, ठीक है। तो अगर मुझे दोनों में इक्वल टू लगाना है या दोनों को अगर मुझे समीकरण में चेंज करना है तो या तो मैं 20 को इधर ऐड कर दूं, दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि b ज्यादा है 2a छोटा है, तो 2a में अगर 20 ऐड कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट। या हम क्या कर सकते हैं, b में से 20 कम कर दें और या 2a कर दें तो भी दोनों इक्वल होंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो होता है समीकरण को बनाना। समीकरण बनाने से क्या मतलब होता है, हमें दो चीजों में एक्स वाई के अंदर बराबर का साइन लगाना होता है, ठीक है। बराबर के साइन लगाने से क्या मतलब है, हम ये देखेंगे दोनों में से कौन छोटा और कौन बड़ा है, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो हम हर क्वेश्चन का समीकरण बना सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने कहा ए का तीन गुना बी के चार गुने से, ए का तीन गुना बी के चार गुने से 10 कम है, हमें इसे समीकरण में बदलना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है, ए का तीन गुना कितना हो गया 3a, बी का चार गुना कितना हो गया 4b, यहां तक तो हम कह सकते हैं। हमें ये कह रहा है ए का तीन गुना बी के चार गुने से 10 कम है, तो ये कम है, ठीक है। तो इसमें अगर हम 10 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या बन गया, इक्वेशन हमारी बन गई 3a plus 10 equal to 4b, ठीक है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अगर आपने उसे सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम होता है उसे समीकरणों में बदलना। समीकरण में बदलने के बाद में अगला काम होता है उन समीकरणों को हल करना। समीकरणों को हल करना बहुत ही आसान है। जैसे कि आपको मान लीजिए दो समीकरण मैंने दिए, एक आपको मैंने कह दिया 2x plus 3y equal to 10, ठीक है, और दूसरा समीकरण आपको मैंने लिख दिया 5x plus 4y, पहला समीकरण है 2x plus 3y equal to 10 और दूसरा समीकरण है 5x plus 4y equal to 13, राइट। हमें क्या करना है, xy की वैल्यू को निकालना है। अब xy कुछ भी हो सकते हैं, तो हमारा क्या नियम होता है, आप या तो x को पहले कैंसिल कर दो या y को। जैसे फर्स्ट इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 10x plus 15y equal to 50, इसको 2 से करा हमने 10x plus 8y equal to 26, राइट। आप दोनों को माइनस कर लीजिए, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, तो y का वैल्यू कितना आ गया 24/7, तो y का वैल्यू कितना आ गया 24/7। ऐसे ही हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो y की वैल्यू को आप पहली इक्वेशन में पुट कर दो, पहले समीकरण में, वहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। या दोनों समीकरणों को यूज करके यहां पर हमने किसको कैंसिल किया था, x को, या y को कैंसिल कर लेंगे, पहले y को 4 से मल्टीप्लाई कर लें और इस y को 3 से, ये 12y, ये भी 12y हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो वहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरणों का हल करना बहुत ही आसान है, जिसको हम बिल्कुल दोनों में x y को आपस में यूज करके आंसर कर सकते हैं। कई बार हमारे ऐसे समीकरण होंगे जिसमें 3 आ जाएंगे, एक्स वाई जेड आ जाएगा, तब हम ये समझेंगे एक्स वाई जेड वाले समीकरणों को कैसे हल करेंगे। जैसे कि आपको मैं लिखूं एक्स प्लस 2y प्लस 3z, ये वैल्यू किसके बराबर है 14 के, दूसरा है 2x प्लस y प्लस 2z, ये बराबर है 10 के, ठीक है, और तीसरा समीकरण हमें दे रखा है 3x प्लस 3y प्लस 4z, ये बराबर है 21 के, ठीक है। अब हमारे पास में तीन समीकरण है, ये मैथ का जनरल रूल है, जितने भी हमारे पास में वेरिएबल होंगे एक्स वाई होंगे उतने ही समीकरण कम से कम आपको चाहिए। जैसे यहां पर दो एक्स वाई है, एक्स और वाई दो चीजें हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें कम से कम दो समीकरण चाहिए, ठीक है। ऐसे यहां पर कितने हैं, एक्स वाई जेड तीन है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए कम से कम हमें तीन समीकरण चाहिए। अब आपके क्वेश्चन में अगर तो ऐसा क्वेश्चन हो
जहां एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आपको ऑप्शन में दे रखी है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से लेके पुट करके आंसर कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको ऑप्शन में दे दे एक्स वन है, वाई टू है, जेड थ्री है, तो आप क्या करेंगे, तीनों समीकरणों में उन वैल्यूज को चेक करके देख लेंगे। अगर वो वैल्यू समीकरण को सेटिस्फाई करेगी तो उस केस में हम कह देंगे भी हाँ ये वैल्यू समीकरण में स्थित हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। बट अगर मान लो कोई एक वैल्यू आपसे पूछी है तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने का नियम क्या होता है, आप तीनों में से किसी एक चीज को एलिमिनेट करेंगे, एक चीज को खत्म करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं क्या करूं, फर्स्ट पहले मैं इक्वेशन में मान लीजिए मैं इक्वेशन के अंदर से x को एलिमिनेट करता हूं, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना बन गया 2x plus 4y plus 6z equal to 28। सेकंड इक्वेशन मेरी क्या है 2x plus y plus 2z equal to 10, ये है, दोनों को माइनस कर दिया मैंने, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, कितना बन गया 3y plus 4z equal to 18, राइट। तो ये मेरे पास में y z में की इक्वेशन आ गई। ऐसी अगर मैं क्या करूं, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके और थर्ड इक्वेशन उसमें से माइनस कर लूं, तो क्या बना 3x plus 6y plus 9z, 14, 3 कितना होता है 42 हो जाएगा 42, और ये थर्ड इक्वेशन कितनी है 3x plus 3y plus 4z, ये वैल्यू 21 है, हमने दोनों को माइनस कर दिया, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 3y plus 5z इक्वल टू 21, ठीक है। अब हमारे पास में दो समीकरण आ गए y और z के अंदर, एक समीकरण ये है, दूसरा ये है। अब दूसरे समीकरण को मैंने यहां लिख दिया 3y plus 4z इक्वल टू 18, दोनों को माइनस करा, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया, ठीक है। 5z में से 4z घटाएंगे तो कितना बचेगा z, यहां कितना बचा 3, मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब अगर z की वैल्यू 3 है तो हम z को अगर इस समीकरण में पुट कर दे, z को मैंने 3 पुट कर दिया, कितना होगा 12, तो आप कह सकते हैं 3y plus 12 की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो यहां से 3y की वैल्यू कितनी आ गई 6 और y का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। अब हमारे पास में y का वैल्यू 2 आ गया और z का वैल्यू कितना है 3, हमें x चाहिए, x निकालने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज को पहले समीकरण में पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे x plus 2 into 2 कितना हो गया 4, 3 into 3 कितना हो गया 9 equal to 14, क्या बन गया x plus 13 equal to 14, यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हमने तीनों समीकरणों का हल करके x, y, z की वैल्यू फाइंड करी, जहां पर हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, y का वैल्यू कितना आ रहा है 2 और z का वैल्यू कितना आ रहा है 3, ठीक है। तो समीकरणों को हल करने के क्वेश्चन कई बार हमारे जनरल एसएससी के अंदर या रेलवे या बहुत छोटे तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको दो समीकरण दे देगा, आपसे एक्स वाई की वैल्यू पूछेगा। अगर तो दोनों वैल्यूज एक्स वाई की वैल्यू आपके पास में ऑप्शन में दे रखी है, तो मैं आपसे चाहूंगा भी आप उनको ऑप्शन से इक्वेशन में समीकरणों में पुट करके देख लीजिए भी कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अगर तीन समीकरण है तो तीन समीकरण है तो तीन वैल्यूज आपको निकालनी होगी एक्स वाई जेड की, यहां भी वही चीज, अगर तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको ऑप्शन में दे रखी है तो आप एक्स वाई जेड पुट करके उसे चेक कर लेंगे, राइट। और अगर आपको किसी एक वैल्यू को निकालना है तो उसमें थोड़ा सा लंबा तो पड़ेगा क्वेश्चन करना, बट करने का तरीका यही रहेगा, हम पहले तीनों समीकरणों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, उसे खत्म करेंगे, वो आपकी मर्जी है, आप करना चाहो चाहे एक्स को कर लो चाहे वाई को कर लो, ठीक है। हमने इसमें से पहले एक्स को खत्म किया, ठीक है, उसे दो समीकरण बन गए, एक बन गया 3y plus 4z 18, दूसरा ये है, दोनों को यूज करके पहले हमने yz की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने x की वैल्यू निकाल ली, और इस तरह से हम तीन अज्ञात राशियां अगर हमें दे रखी है तो उन अज्ञात राशियों को हम समीकरणों के यूज करके हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टॉपिक का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, अगर किसी समीकरण में दो अज्ञात राशियां हैं, अगर किसी समीकरण में दो अज्ञात राशियां हैं और हमें हलों के बारे में बताना है कितने हल उसके पॉसिबल हो सकते हैं, अगर दो अज्ञात राशियां हो तो हमें उनके हल बताने हैं, कितने हल हो सकते हैं। ये आपने एक बेसिक रूल 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा जरूर। मान लीजिए मेरे पास में दो समीकरण है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और दूसरा समीकरण है a2x plus b2y plus c2 equal to 0। दो समीकरण है अपने पास में, ठीक है। हमें हमें दो समीकरणों को यूज करके इनके बारे में बताना है कि इसके कितने हल हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदी में हल कह देते हैं और इंग्लिश में क्या कह देते हैं सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन हमारे हो सकते हैं, राइट। अब आप ध्यान से समझो, तीन चीजें ध्यान रखनी है आपने। पहला रूल होता है x के कोफिशियंट a1 by a2
किसके बराबर हो जाए, बी वन बाय बी टू के, ठीक है। मतलब ए वन बाय ए टू, बी वन बाय बी टू, हम इनको निकालते हैं। तो पहला हमारे पास में टेक्निक है, जब ए वन बाय ए टू जो है वो बी वन बाय बी टू के बराबर ना हो। सेकेंड फॉर्मूला होता है जब ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू के बराबर है और बी वन बाय बी टू सी वन बाय सी टू के बराबर है। और तीसरा होता है जब ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू के बराबर है बट ये सी वन बाय सी टू के बराबर नहीं है। तो तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है। मान लो पहला ही केस आ गया, ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू के बराबर नहीं है, तो आप ये कह दोगे इन समीकरणों का एक ही हल होगा, मतलब एक्स वाई की एक ही वैल्यू आएगी, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। जिसको हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं, इन दोनों समीकरणों का यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है एक्स वाई की एक ही वैल्यू आएगी। दूसरा केस होता है ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू, मतलब इन तीनों का अनुपात बराबर है, तीनों का रेशियो बराबर है। अगर ऐसा हो जाए तो आप ये कह देंगे समीकरणों के अनगणित हल होंगे, ठीक है। मतलब समीकरणों के कितने भी हल हो सकते हैं, अनगणित हल होंगे, जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ऐसे समीकरणों के अनगणित हल होंगे, ठीक है। और तीसरा केस होता है ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू, इसका मतलब है समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, भी दोनों समीकरणों को सोल्व करने के बाद में हमारे पास में एक्स वाई की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। वो कब होगा, जब ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू, ठीक है। जिसको हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं, नो सॉल्यूशन। तो अगर दो समीकरण आपको दे रखे हैं एक्स वाई के अंदर और हमें ये बताना है कि कितने हल उनके होंगे, तो पहला केस है जब एक हल होगा, जब ए वन बाय ए टू की वैल्यू बी वन बाय बी टू के बराबर नहीं है, ठीक है। दूसरा केस है जब इन तीनों का अनुपात बराबर हो तो समीकरणों के अनगणित हल होंगे। और तीसरा केस है जब ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू के बराबर हो बट ये सी वन बाय सी टू के बराबर नहीं हो तो समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इस पे कई बार मैं एक क्वेश्चन लिख के देता हूं, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा अभी किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके परीक्षा के अंदर। 2x plus 3y की वैल्यू हमें 10 के बराबर है, ठीक है। फिर आपको लिख दिया kx plus y की वैल्यू हमें दे रखी है 16, इतना लिख दिया। और आपको ये कह दिया इन समीकरणों का कोई भी हल नहीं है, इन दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं है, ठीक है। इसके बेस पे आप ये बताइए कि k की वैल्यू क्या होगी, हमें ये बताना है इन दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं है और इसके बेस पे आपको ये बताना है k की वैल्यू क्या होगी। तो आपने क्या करना है, हमें ये पता है कोई भी हल नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो a1 वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू, ध्यान से देखो a1 वन बाय ए टू क्या बना, 2 बाय के इक्वल टू 3 बाय वाई इज नॉट इक्वल टू 10 बाय 16, ये लिख दिया हमने। इसकी तो कोई जरूरत भी नहीं वैसे भी आपको, हमें तो इस चीज को देखना है, ठीक है। इसको आपने सॉरी k y कितना 1 है, y का कोएफिशिएंट है ना 1, हमें k का वैल्यू निकालना है, कितना हो गया 2 बाय 3 इक्वल टू k, तो यहां से k का वैल्यू कितना आ गया 2 बाय 3। तो आप क्या कह सकते हैं, इन समीकरणों का अगर कोई भी हल नहीं है वो कब पॉसिबल है, कब ऐसा हो सकता है, जब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 बाय 3 के इक्वल हो जाएगी, उस केस में इन समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। अब बेटे यहां पर एक बात और समझने की चीज है, ये समझेंगे ध्यान से आप सभी, क्या चीज है, हमें ये पता है कोई भी, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना ये इक्वेशन हमारी कौन सी है, लीनियर इक्वेशन, इसको हम कहते हैं एक घातीय इक्वेशन। क्या होती है, एक घातीय इक्वेशन, एक घातीय समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन से क्या मतलब होता है, जहां एक्स वाई की पावर कितनी होती है, एक्स वाई की घात कितनी होती है, एक होती है, उसको हम कहते हैं एक घातीय समीकरण। एक घातीय समीकरण हमेशा एक सीधी रेखा होती है, उसका अगर आप ग्राफ बनाओगे ना किसी भी एक घातीय समीकरण का, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है, जिसको हिंदी में क्या कह देते हैं, एक सीधी रेखा होती है, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास में दो समीकरण है और एक घातीय है, ठीक है, तो दो सीधी इनका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, दो सीधी क्या होंगी, रेखाएं होंगी। अब अगर दो रेखाएं हमारे पास में है किसी भी ग्राफ पेपर के ऊपर, या तो दोनों लाइनें आपस में क्या करेंगी, काटेंगी एक दूसरे को,
या ऐसा होगा एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आएगी, ग्राफ इस तरह से बनेगा कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आएगी, या ऐसा होगा दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, जिसको हम हिंदी में क्या कह देते हैं, समानांतर, या दोनों लाइनें क्या होंगी, समानांतर होंगी। ठीक है, तो हम इस चीज को याद कर लेंगे, अगर कहीं भी दो समीकरण आपको दे रखे हैं और A1 by A2 जो हमने निकाला है अगर वो B1 by B2 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो उसी टाइम पर आप ये कह सकते हो कि दोनों लाइनें जो हमारी बनेंगी वो एक दूसरे को आपस में केवल एक जगह पे काटेंगी। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए भी A1 by A2 की वैल्यू अगर हमारे पास में B1 by B2 के बराबर नहीं है तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों एक जगह पे काटे। दूसरा, अगर ऐसा हो जाए जब उनके अनगणित सॉल्यूशन है, तो अनगणित सॉल्यूशन के अंदर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर लाई करेगी। ठीक है, और तीसरा, अगर A1 by A2 B1 by B2 के बराबर हो बट ये C1 by C2 के बराबर ना हो तो ऐसे समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, मतलब जो दोनों लाइनें बनेंगी वो हमारे पास में क्या होंगी, समानांतर होंगी। तो कई बार आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, दो समीकरण आपको लिख दिए और आपसे ये पूछा इनसे जो दोनों लाइनें बनेंगी बताइए क्या वो एक दूसरे को काटेंगी, क्या वो एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी, क्या वो आपस में समानांतर होंगी। ठीक है, तो आपने यही चीज ध्यान रखनी है, एक ही हल होगा तो वो लाइनें आपस में काटेंगी। ठीक है, अगर अनगणित हल होंगे तो लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी, लाई करेंगे एक दूसरे के ऊपर, हिंदी में मुझे नहीं पता, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, इंग्लिश में हम ये कह देते हैं। और तीसरा होता है अगर कोई भी हल नहीं है तो हम ये कह देंगे वो लाइनें आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी। ठीक है जी, तो ये हमारे इस चैप्टर का पहला पार्ट है जिसके अंदर हमने ये सीख लिया अभी समीकरण क्या होते हैं, समीकरण कैसे बनाए जाते हैं, और अगर दो हमारे पास में एक घातीय समीकरण दे रखे हैं तो उन एक घातीय समीकरण को यूज करके हम किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में हम अपने अलग अलग तरह के क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन हम शुरू करते हैं भिन्न से रिलेटेड, पहले क्वेश्चन जो है भिन्न से रिलेटेड, मैं बहुत ही एलिमेंट्री और बेसिक क्वेश्चन की बात करूंगा जो रेलवेज SSC के अंदर, MTS के अंदर या आपके बैंकिंग क्लेरिकल के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हम भिन्न से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन मुझे लिखने पड़ेंगे क्योंकि हिंदी मीडियम में है, एक प्रैक्टिस सेशन इसका होगा आपका, उसमें आप देखोगे अलग अलग तरह के क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाऊंगा, बट अभी तो हम समझेंगे पहले बेटे भिन्न क्या होती है। भिन्न को इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रैक्शन, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, अंश और हर, ऊपर क्या होता है अंश और नीचे क्या होता है हर। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको क्या कह देते हैं, डेनोमिनेटर। ठीक है, तो अंश और हर हमारे पास है, कोई भी जो फ्रैक्शन है उसमें क्या होता है, अंश और हर होता है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है किसी भिन्न के, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कॉपी में से देख के सो दैट क्वेश्चन ठीक लिखा जाए, किसी भिन्न के अंश और हर में चार बढ़ाया जाए, किसी भिन्न के अंश और हर में चार बढ़ाया जाए। ठीक है, तो भिन्न 2/3 हो जाती है, तो भिन्न जो है वो क्या हो जाती है, 2/3 हो जाती है, ये पहली लाइन है। ठीक है, दूसरी लाइन है यदि अंश और हर में एक घटा दिया जाए, यदि भिन्न के अंश और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है, तो भिन्न जो है वो कितनी हो जाती है, 3/5। ठीक है, हमें भिन्न बतानी है, भिन्न क्या होगी, हमें भिन्न निकालनी है, भिन्न क्या होगी। ठीक है, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 5/8, 7/11, 9/13 और 6/11, यह हमें दिया होगा। ठीक है बेटे, ऐसे सवालों में वैसे तो मेरी एडवाइस यही होती है, आपको यही सलाह है कि आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से कर दो, जब भिन्न दे रखी है तो आप ट्राई करो कि ऑप्शन से निकाल दे। कैसे बेटे, ये 5/8 है, पहली कंडीशन देखो, अंश और हर में चार चार बढ़ा दें, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 12, 9/12 हो गया, 9/12 को मैंने कैंसिल करा, 3 कट जाएगा, 3/4 हमारी भिन्न कितनी होनी चाहिए, 2/3, मतलब ये आंसर नहीं है। दूसरा देखो, अंश में चार बढ़ा दिया 11, भिन्न में हर में चार बढ़ा दिया 15, 11/15 क्या ये 2/3 के बराबर है, नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखो, 9/13, चार बढ़ा दिया मैंने कितना हो गया 13 और 4 17, नई बात बनी।
चौथा ऑप्शन देखो, 6 में 4 बढ़ाया 10, 11 में 4 बढ़ाया 15, तो कितना बना 10 बटे 15, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 बटे 3 आ गई, मतलब यही आंसर है। ठीक है, आप दूसरी भी ट्राई कर सकते हैं, आंसर आर में अगर एक एक घटा दे, एक एक घटा दे तो बेटे ये कितना हो गया 5, ठीक है, और ये कितना हो गया, सॉरी यहां 2 बटे 5 है, अगर आंसर आर में एक एक घटा दिया जाए, ठीक है, आंसर आर में अगर एक एक घटा दिया जाए, हाँ यहां इसको चेंज कर लो, तो बिन हमारी यहाँ पे 1/2 है, कितनी है 1/2, तो जैसे 6 और 11 है, हमने आंसर आर में से एक एक माइनस कर दिया, ठीक है, एक एक घटा दे तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो गया 10, 5/10 कितना हो गया 1/2, ठीक है, तो भिन्न हमारी 1/2 हो रही है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6/11, ठीक है। अब अगर हम इसे वैसे निकालना चाहें, वैसे तो ऑप्शन से करना ज्यादा आसान है हमारे लिए, अगर हमें मान लो ऑप्शन नहीं दे रखा, वैसे निकालना है, तो आप भिन्न मान लीजिए, कितनी भिन्न है एक्स वाई, वाई एक्स अंश मान लिया, वाई क्या मान लिया, हर मान लिया, हमें कहता है अगर अंश और हर में 4/4 बढ़ा दे, एक्स प्लस 4 वाई प्लस 4 कितना हो गया 2/3, गुणा कर दो कितना हो जाएगा 3x + 12 = 2y + 8, ठीक है, 3x - 2y, ये -4 के बराबर हो गया, ये पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण बनाइए, अंश और हर में अगर एक एक घटा दें, तो x में से एक कम कर लो, y में से एक कम कर लो, तो भिन्न कितनी होगी 1/2, गुणा कर दो 2x - 2 = y - 1, तो यहां से आ जाएगा 2x - y = 1, ये दो चीजें आ गई। अब हम इसे सोल्व करना है, तो बेटे सोल्व कैसे करेंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 4x - 2y = 2, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी बन जाएगी, दोनों को माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो -x = -6, और x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब x अगर 6 है तो हम y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x को हमने यहाँ 6 पुट कर दिया 12, तो y का वैल्यू कितना आ गया 11, ठीक है, तो हमारी भिन्न कितनी बन गई 6/11, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हर के क्वेश्चन में एक ही चीज ध्यान रखेंगे, अंश हमारा x और हर कितना है y, फिर जैसा क्वेश्चन आपको दे रखा है उस तरीके से आप उसको सोल्व कर देंगे, हल कर देंगे। फिर भी मैं आपको कहूंगा भी ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करिए, उससे आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं बिल्कुल इसी के ऊपर, प्रैक्टिस सेशन में कई सारे क्वेश्चन आएंगे, बट अभी मैं समझा रहा हूं, तो एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर करके देखेंगे, आपको समझ में आए। बेटे दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक भिन्न का अंश हर से पांच अधिक है, मतलब अंश हर से 5 ज्यादा है, ठीक है, तथा अंश का तीन गुना हर से 21 अधिक है, ये बात हमें दे रखी है, ठीक है। आप यहां पर भिन्न बताइए, भिन्न कितनी होगी, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जैसे पहला ऑप्शन है 8/3, एक ऑप्शन है 9/4, एक ऑप्शन है 12/7, एक ऑप्शन है 14/9, और एक ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, जिसको हम कहते हैं नन, ठीक है। अब इस चीज को हमें देख के बताना है अभी हमारा आंसर क्या होगा, यहां भी मैं आपको यही कहूंगा अभी आप ऑप्शन से समझो, जैसे भिन्न का अंश हर से 5 अधिक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, चारों में है, बात नहीं बनी। अंश का तीन गुना हर से 21 ज्यादा है, अंश का तीन गुना कितना हुआ 24, 24 - 3 कितना होता है 21, अंश का तीन गुना 27, 27 - 4 कितना होता है 23, मतलब ये आंसर नहीं है, 36 - 7 ये भी नहीं है, 42 - 2 क्या आंसर बना हमारा 8/3, 8/3 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, अगर इक्वेशन से करोगे तो मान लो अंश हर से 5 ज्यादा है, तो मान लो उसका हर अगर x है, तो अंश कितना हो गया x + 5, अब कहता है कि अंश का तीन गुना कर लो 3x + 15, हर x है, ये इससे 21 ज्यादा है, इसमें 21 जोड़ लो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, अगर x हमारा 3 के बराबर है तो अंश कितना हो गया 8, हर कितना हो गया 3, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो भिन्न हमारी है वो किसके बराबर होगी 8/3 के बराबर होगी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 8/3, राइट। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है अंश और हर के ऊपर। अंश और हर के बाद में जो दूसरी टाइप के क्वेश्चन हम समझेंगे यहां पर, ये हमारे क्वेश्चन होते हैं संख्याओं के ऊपर, किसके ऊपर होते हैं संख्याओं के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। मतलब आप ये मान के चलो हर एग्जामिनेशन में, इस चैप्टर में जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको,
तीन से चार क्वेश्चन आपके हर एग्जामिनेशन में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए करना बहुत ही आसान है, बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप बहुत इजीली आपने उन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेटे संख्याओं में दो तरह के क्वेश्चन होंगे, ध्यान से समझो। हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं क्रमिक संख्याएं, क्रमिक पूर्णांक, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में हम कह देते हैं कॉन्जेक्टिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं इसे? कॉन्जेक्टिव इंटीजर्स, जो लगातार है। इसको चाहे आप कह लीजिए, चाहे आप कह लीजिए इसे क्रमिक, चाहे कह लीजिए कॉन्जेक्टिव, ठीक है। ऐसी हमारे पास में सम और विषम संख्याएं भी होती हैं, तो हमने लिख दिया क्रमिक सम संख्याएं, क्रमिक सम संख्याएं और क्रमिक विषम संख्याएं, क्रमिक विषम संख्याएं, ठीक है। अब देखो सम संख्या होती है इवन, इवन मतलब जो दो से डिवाइड होता है, और जो संख्या होती है विषम ओड नंबर, मतलब जो दो से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। क्रमिक पूर्णांक, क्रमिक पूर्णांक हमें पता है जैसे एक दो तीन पांच सात आठ पांच छह सात, जिसमें एक एक का अंतर है। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में तीन क्रमिक पूर्णांक मानने हैं तो हम जनरली ये मान लेते हैं एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री और ऐसे जितने भी मान लो, तीन चार पांच जितने भी आपको कहें हम ऐसे मान लेंगे, ठीक है। अगर हमें क्रमिक सम संख्याएं माननी है तो हमें ये पता है चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, दोनों में दो दो का अंतर होता है। जैसे दो चार छह ये हमारी सम संख्याएं हैं, ऐसे अगर हम विषम संख्याओं को देखेंगे तीन पांच सात ये कौन संख्याएं हैं? विषम। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर मेरी संख्याएं क्रमिक है तो उसमें कितना अंतर है? दो दो का अंतर है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए एक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक्स जमा दो एक्स जमा चार। ऐसी अगर वो चाहे विषम संख्या भी है तो भी हम क्या रखेंगे उसे? एक्स एक्स जमा दो एक्स जमा चार। एक ही चीज याद रख लो, अगर संख्या सम है चाहे विषम है, अगर हमें तीन चार पांच जितनी संख्याएं लेनी है हम एक्स मान लें, दूसरी संख्या एक्स जमा दो हो जाएगी, तीसरी संख्या एक्स जमा चार, चौथी संख्या एक्स जमा छह, ठीक है। एक चीज और याद कर लो, अगर तीन संख्याएं ही माननी हो, कितनी माननी हो? केवल तीन। अगर आपको क्रमिक पूर्णांक मानने हैं तो आप हमेशा क्या मान लोगे? x माइनस वन x और x प्लस वन। इससे हमारा क्वेश्चन हमेशा आसान हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास में किसी भी सवाल के अंदर तीन संख्याएं अगर आपने माननी है तो अगर आपको क्रमिक पूर्णांक मानने हैं तो हमारा क्या स्ट्रेटजी रहेगा? हम उसे मानेंगे x माइनस वन x और x प्लस वन। और अगर हमें सम या विषम संख्याएं माननी है तो उसे हम क्या मानेंगे? x माइनस टू x और x प्लस टू। आपको चाहे सम संख्या माननी है चाहे क्या माननी है विषम संख्या, तो आपके लिए आसान रहेगा अगर आप उसे क्या माने? x माइनस टू x और x प्लस टू। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, हमारे पास में तीन क्रमिक सम संख्याओं का वर्ग, क्रमिक सम संख्याओं के वर्गों का जोड़ 200 है, संख्याएं बताइए क्या क्या संख्याएं आपकी होंगी, ठीक है। मतलब तीन संख्याएं हैं, तीनों क्रमिक सम संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग कितना है? 200 है। आपको संख्याएं निकालनी है तो तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं तो आप क्या मानोगे? ये मान लीजिए, ठीक है। इनका हमें क्या करना है? वर्ग करना है। तो एक्स माइनस दो का स्क्वायर कर देंगे, यहां कितना हो गया? एक्स का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस टू का स्क्वायर। ये हमारा 200 के बराबर है, ये क्वेश्चन है एज पर टू द। अब बेटे इसको आप ओपन कर दो, ए माइनस बी का स्क्वायर आपको आता ही है, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स। इसको जोड़ दिया हमने, कितना सम आ गया? 200। ये 4x से 4x से 4x कट जाएगा, कितना बना? 3x स्क्वायर प्लस 12। ये वैल्यू हमारी 200 के बराबर है, तो 3x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 200 माइनस 12 100, कितना रहा ये? 200 माइनस 8, ठीक है। 200 माइनस 8 कितना होगा? 192। यहां से आप देखोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 64, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 8, क्योंकि इसका क्या हो रहा है? वर्ग है x स्क्वायर। अगर x का वर्ग अगर 64 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अगर x की वैल्यू 8 है तो मेरी संख्याएं क्या हो जाएंगी? 6, 8 और 10। क्या संख्याएं हो जाएंगी? 6, 8 और 10। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर चाहे कैसा भी सवाल आपके पास में है, करने का ये तरीका रहेगा जिसके बेस पे आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी तरह के क्वेश्चन होते हैं, जब हमारे पास में संख्याओं या तो दो अंकों वाली संख्या होगी या कितनी होगी? तीन अंकों वाली संख्या।
जैसे दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या, ठीक है, या तीन अंकों वाली संख्या। अब पहले हम समझे, अगर हमारे पास में दो अंकों वाली संख्या है तो दो अंकों वाली संख्या को मैंने क्या मान लिया, ए बी मान लिया। मान लो अगर दो अंकों वाली संख्या है तो हमने उसे क्या लिख लिया, ए बी, ठीक है, जिसमें इकाई का आंकड़ा बी और दहाई का कितना है, ए। यही कहते हैं भाई, इकाई बी और दहाई कितना हो गया, ए हो गया। अब आप एक छोटी सी बात समझो, क्या ए बी का मतलब ए गुना बी है? नहीं, ये तो गलत है। मान लीजिए आपके पास 32 है, 32 है, तो आप बेटे इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3 × 10+2, ऐसे लिखते हैं। 32 का क्या मतलब होता है, 3 × 10 = 2, 3 × 10+2। अगर हमारे पास में ए बी है तो ए बी का क्या मतलब होता है, ऐसे हम ए बी को कह सकते हैं a × 10 = b। यह आपने याद कर लेना है। या इकाई की संख्या सेम रहेगी, दहाई की संख्या आपकी 10 से गुना हो जाएगी, तो a × 10 = b, ये हमारी ए बी की वैल्यू है, ठीक है। अगर मुझे दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग करना है तो वो क्या होता है, a+b। भाई अंकों का अगर योग आपको बोला है तो वो किसके बराबर होगा, a+b के। अगर हमें ये कहता है भी ऐसी दो अंकों वाली संख्या हो जिसके अंकों को आपने रिवर्स कर दिया, अंकों को उल्टा कर दिया, तो बेटा आप ए बी को अगर उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बीए, और बीए का क्या मतलब हो जाएगा, 10b+a। ये समझ में आया, मतलब अगर ए बी है तो ए बी को आपने लिखा 10a+b, अगर आपने अंकों का योग लिखना है तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, a+b। अगर एक द्वि अंकीय संख्या है जिसके अंकों को हमने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ए बी को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बीए, और बीए को हम क्या कहेंगे, 10b+a, ठीक है। पहले इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखिए दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन। कैसे, हमें बोला एक दो अंकों वाली संख्या है, ए बी है, कहता है इसके अंकों को अगर उल्टा कर दिया जाए और दोनों को जोड़ दिया जाए, मतलब एक संख्या हमारी दो अंकों वाली संख्या थी ए बी, हमने उनके अंकों को उल्टा कर दिया, बीए बन गया, और दोनों को जोड़ दिया। कहता है इनका जो जोड़ है, जो इनका योग है, वो किस नंबर से हमेशा डिवाइड होगा, वो किस संख्या से हमेशा पूरा का पूरा डिवाइड होगा या भाग होगा। तो बेटे समझो, ए बी का क्या मतलब है, 10a+b, बीए का क्या मतलब है, 10b+a, दोनों को हमने जोड़ दिया, 11a+11b, 11 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a+b। तो आप ये कह सकते हैं इन दोनों का जोड़ हमेशा किससे गुना होगा, 11 से। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कई बार सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है, एक द्वि अंकीय संख्या को उल्टा करके अगर उसी द्वि अंकीय संख्या में जोड़ दिया जाए तो उनका जोड़ जो है वो किस नंबर से हमेशा डिवाइड होगा, तो हम ये कह सकते हैं वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 11 से। ऐसे ही एक द्वि अंकीय संख्या को उसके अंकों को उल्टा करके जो द्वि अंकीय संख्या बनेगी उसमें से अगर क्या कर दे, माइनस कर दे, ठीक है। जैसे ए बी है, उसमें से बी ए माइनस कर दे। अब ए बी का क्या मतलब है, 10a+b, और बी ए का क्या मतलब है, 10b-a। हमने माइनस कर दिया, कितना बचा, 9a-9b, 9 आपने कॉमन लिया तो कितना हो गया, a-b। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, 9 कॉमन लेने के बाद a-b आया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नई, जो इनका आपस में अंतर होगा वो हमेशा किससे भाग होगा, 9 से पूरा पूरा भाग होगा। तो ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सीधे से कर देंगे। फिर हम देखें द्वि अंकीय संख्याओं से संबंधित और कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए हमें लिखा है एक द्वि अंकीय संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 है, ठीक है। संख्या के अंकों को उल्टा करके, संख्या के अंकों को उल्टा करके या उनको चेंज करके जो नई संख्या बनेगी, जो नई संख्या बनेगी वह पहली वाली संख्या से, पहले वाली संख्या से, पहले वाली संख्या से 27 ज्यादा है, संख्या से 27 ज्यादा है। संख्या बताइए हमारी शुरू में, शुरुआत में संख्या कितनी होगी, ये हमारे क्वेश्चन का, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां भी अगर तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन तो होंगे,
तो बेटर है आप ऑप्शन से करो भैया, ऐसी संख्या देखो जिसके अंकों का योग कितना हो, 9 हो पहली चीज, और अगर उस संख्या के अंकों को उल्टा कर दिया जाए तो नई संख्या जो बनेगी पुराने वाली से 27 ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वो हम देखते हैं, पहले हम इसको क्वेश्चन करके देखें। मान लीजिए हमारी संख्या कितनी है एक्स वाई, तो पहला कंडीशन है अंकों का योग कितना है 9, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9 हो गई, ये मैं दे रखा है। फिर कहता है अगर संख्या के अंकों को उल्टा करके, भाई संख्या एक्स वाई थी, अंकों को उल्टा करते कितना हो गया वाई एक्स, ये कह सकते हैं। नई संख्या जो है पुरानी वाली संख्या से 27 ज्यादा है, मतलब इसमें से 27 कम कर दें दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब हमारी संख्या एक्स वाई थी, कहता संख्या के अंकों को अगर हम क्या कर दें उल्टा कर दें, तो एक्स वाई को हमने उल्टा कर दिया कितना हो गया वाई एक्स हो गया। अब एक्स वाई को उल्टा करके अगर वाई एक्स हो जाएगा तो जो नई संख्या आ रही है वो पुरानी वाली संख्या से 27 ज्यादा है, तो उसमें 27 कम कर दें। अब देखो एक्स वाई का क्या मतलब है, टेन एक्स प्लस वाई, वाई एक्स का टेन वाई प्लस एक्स, माइनस टेन वाई माइनस एक्स, ये वैल्यू माइनस 27 के बराबर है, ठीक है। यहां से क्या बन जाएगा 9x माइनस 9y किसके बराबर हो गया माइनस 27 से, और x माइनस वाई कितना हो गया माइनस 3, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। अब दो इक्वेशंस हैं, दो समीकरण है, इनको हमें हल करना है, दोनों को हमने जोड़ दिया तो 2x कितना हो गया 6, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3, x अगर 3 है तो यहाँ पुट कर देंगे 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, मतलब हमारी संख्या कितनी थी 36, संख्या कितनी थी 36, ठीक है। अब अगर ऑप्शन आपको दिए हो तो आप कह सकते हैं अभी संख्या 36 थी, 36 के अंकों को उल्टा कर दे कितना बन जाएगा 63, और जो नई संख्या आ रही है वो पहली वाली संख्या से कितनी ज्यादा है, नई संख्या पहली वाली से 27 ज्यादा है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगली प्रकार के जो क्वेश्चन है ये हमारे आयु संबंधी क्वेश्चन है, आयु संबंधी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, और कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस क्लास में जब आपको मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा वहां हम समझेंगे। देखिए स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ए और बी दो पर्सन है, इनकी वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग जो है ये हमें 30 साल बता रखा है, 30 वर्ष है, ठीक है। फिर हमें ये कहता है 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है, 5:3 हो जाता है। आप ए और बी की वर्तमान आयु बताइए कितनी है, ठीक है। अब समझो ध्यान से भाई, आयु का योग 30 है, ठीक है। मान लो ए की आयु ए है, इसका मतलब बी की आयु कितनी होगी 30 माइनस ए, ये तो कह सकते हो आप भाई, दो लोग हैं उनकी आयु का जोड़ 30 साल है। अगर हम ये कहते हैं ए की आयु ए साल है तो बी की आयु कितनी हो जाएगी 30 माइनस ए साल हो जाएगी 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ए की आयु कितनी होगी ए प्लस 5, बी की आयु कितनी हो जाएगी 30 माइनस ए प्लस 5। अब दोनों की आयु का अनुपात कितना है 5:3, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप ए प्लस 5 बाय 35 माइनस ए इक्वल टू 5/3, गुना कर दो क्या बन गया 3a+15 इक्वल टू 5a, मतलब इक्वल टू 5 × 135 175 माइनस 5a, ठीक है। ये इधर आ जाएगा 8a, 175 माइनस 15 160, ए का वैल्यू कितना आ गया 20, ठीक है। मतलब ए की आयु कितनी है 20 साल, ए की आयु 20 साल है तो बी की आयु कितनी हो जाएगी 10 साल। तो हम आंसर क्या लिख देंगे, ए की वर्तमान आयु 20 साल है और बी की वर्तमान आयु कितनी है 10 साल, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत सीधे होते हैं, इनमें कुछ नहीं करना आपने, वर्तमान उनकी आयु का योग दे रखा है तो ए मान लो या ए और बी मान लो, तो ए का आप समीकरण बना दोगे ए प्लस बी की वैल्यू 30 है, और दूसरा समीकरण आप बना दोगे ए प्लस 5/b+5 इक्वल टू 5/3, ऐसे बना लो तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा। या हमने दोनों समीकरणों को एक बना लिया, कैसे भी 30 साल उनकी आयु का योग है, तो ए की आयु अगर ए है तो बी की आयु कितनी होगी 30 माइनस ए, इसको आप यूज करिए और हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें क्या गिवन है, हमें कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात
8:7 है पहली चीज। फिर कहता है 4 साल बाद 9:8 हो जाएगा, 4 वर्ष बाद 9:8 हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है आपको, एक सेकंड लगता है आपका। कोई वर्तमान आयु 8:7 है तो 8x और 7x, 4 साल बाद 4 नीचे जोड़ दो 9/8 हो गया। एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है, गुना करो 64x + 32 इक्वल टू कितना हुआ ये 63x + 36, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। 4 आने से क्या मतलब है कि वर्तमान आयु जो होगी वो ए की कितनी हो जाएगी 32 और बी की कितनी हो जाएगी 28। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, सिंपल सा, ठीक है। मतलब हमने क्या मान लेना है, अगर वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है तो हमने 8x और 7x मान लिया। फिर हमें ये कहता है 4 साल बाद उनका अनुपात 9:8 हो जाएगा, तो हमने दोनों में 4 जोड़ लिया और 9:8 बना दिया, क्रॉस कर दी, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। अगला सवाल लिखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 साल अधिक है। क्या गिवन है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है, 3 गुने से 3 साल अधिक है। ये पहली, ठीक है। दूसरी लाइन कहता है 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के, पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक है, 10 वर्ष अधिक है। आपको पिता पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 10 साल अधिक है। तो मान लीजिए अगर पुत्र की वर्तमान आयु x साल है, कितने वर्ष है, x वर्ष है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु बन जाएगी यहां पर 3x + 3। ये बात समझ में आती है। अगर पुत्र की आयु x साल है तो इसके हिसाब से पिता की आयु कितनी बनेगी, 3x + 3। अब कहते हैं 3 साल बाद, तो 3 साल बाद पिता की आयु भी 3 साल बढ़ जाएगी और पुत्र की आयु भी 3 साल बढ़ जाएगी। अब पिता की आयु 3 साल बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 3x + 6, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x + 3। ये आप कह सकते हैं 3 साल बाद। अब कहता है अब जो ये पिता की आयु है पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 ज्यादा है, तो पुत्र की आयु का मैंने डबल कर दिया, 2 गुना कर दिया, और इससे पिता की आयु 10 ज्यादा है, ठीक है। मतलब पुत्र की आयु कम है, पुत्र की आयु में 10 जोड़ दूंगा तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसको मुझे सोल्व करके x निकालना है, क्या लिख देंगे, 3x + 6 = 2x + 6 + 10। x की वैल्यू 10 आ गई, मतलब पुत्र की आयु कितनी है, 10। पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 10, ठीक है। अगर हम पिता की वर्तमान आयु निकालेंगे तो 3 को 10 से गुणा कर दे, 30 में 3 जोड़ दे 33। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु कितने साल हो जाएगी, 33 वर्ष, ठीक है। तो पुत्र की आयु कितनी होगी, कितने वर्ष होगी, 10 वर्ष, और पिता की आयु कितनी होगी, 33 वर्ष, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को हल करते हैं। इसी तरीके से कुछ और तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसमें एक हमारे पास में बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है खरगोश और मोर का, या आप कह लीजिए कुत्ते और मोर का, ठीक है। जैसे हमारे पास में कुछ खरगोश और मोर है, क्या है, कुछ खरगोश और मोर है, ठीक है। कहता है अगर उनके सिरों को गिना जाए तो संख्या 60 है, अगर उनके सिरों को गिना जाए, सिरों को गिना जाए तो 60 सिर गिने जाते हैं, मतलब उनके सिरों सिरों गिना जाए तो कितने सिर गिने जाते हैं, 60। अगर उनके पैरों को गिना जाए, पैरों को गिना जाए तो उनका जोड़ 192 है। मतलब हमारे पास में कुछ खरगोश और मोर है,
कहता अगर उनके सिरों को जोड़ ले तो कितनी संख्या आती है 60, और वही अगर उनके पैरों को गिना जाए तो कितनी संख्या आती है 192। अब हमें यहाँ सोल्व करके ये बताना है भाई कितने खरगोश और कितने मोर है। हमने मान लिया खरगोश मेरे एक्स और मोर कितने है वाई, मान लिया भाई सिरों को गिन ले तो दोनों का एक एक सिर होता है तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब खरगोश के कितने पैर होते हैं 4 और मोर के कितने होते हैं 2, तो कितने हो गए 4x प्लस 2y इक्वल टू 192। अब दो इक्वेशंस हैं, दो समीकरण हैं, हमें इनको हल करना है। तो हमने क्या करा, y को 2 से गुणा कर लिया तो क्या बना 4x जमा 2y इक्वल टू 120। माइनस करिए, माइनस ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 2x आएगा यहां पर, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 72, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 36। मतलब कितने खरगोश है मेरे पास में 36, मोर कितने होंगे 24। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हमारे पास में खरगोश कितने होंगे 36 और मोर कितने होंगे 24। इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खरगोश और मोर मतलब हमें भी इतना देखना है, देखो सिर तो सभी जानवरों के एक ही होते हैं, ठीक है, और अगर हमें पैरों की बात करनी हो तो पैर चेंज होते रहते हैं, तो खरगोश के 4 हैं, मोर के 2 हैं, कुत्ते के 4 हैं, गाय के 4 हैं, बैल के 4 हैं, तो जैसा भी हमारे पास में सवाल है उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ठीक है। इस चैप्टर में विभाजन के क्वेश्चंस भी आते हैं, एक क्वेश्चन होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये समीकरण बनाने और समीकरण को समाधान करने का चैप्टर है, तो क्वेश्चंस की टाइप कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमें कहता है पी क्यू आर तीन व्यक्ति हैं, उनमें 1200 रुपए का विभाजन करना है। कितने रुपए बांटने हैं आपने 1200 रुपए, और हमें क्या रखा है पी को क्यू और आर की राशि का, क्यू और आर की राशि का आधा मिलता है, राशि का आधा मिलता है। पहली चीज, फिर कहता है क्यू को पी और आर की राशि का एक तिहाई मिलता है, क्यू को पी और आर की राशि का एक तिहाई मिलता है, ठीक है। तो आप बताइए R को 1200 रुपए में कितना मिलेगा, क्वेश्चन समझो क्या कहता है हमें। क्वेश्चन में ये कहता है भी हमारे पास में तीन लोग हैं P, Q और R, और हमें ये कहता है भी P को Q और R की राशि का आधा मिलता है, ठीक है, और ऐसे ही Q को P और R की राशि का एक तिहाई मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं भी P को Q और R की राशि का अगर आधा मिलता है, मान लो P को एक मिलेगा तो Q और R को कितना मिलेगा 2, क्या इनका अनुपात हो गया 1:2। 1200 रुपए पूरे हैं, हमें पी का हिस्सा निकालना है, तो 1200 को अगर मैं 1:2 में डिवाइड करूंगा तो 1/3 कर देंगे तो पी को कितने मिलेंगे 400 रुपए, ये आप कह सकते हो। आया कुछ समझ, ध्यान से देखो क्या मैंने लिखा, हमें ये कहता है पी को क्यू और आर की राशि का आधा मिलता है, ठीक है, मतलब इसका मतलब पी को एक मिलता है तो क्यू और आर को कितना मिलेगा 2, तो पी का इनसे अनुपात कितना हो गया 1:2 हो गया। तो हमने 1200 को 1:2 में डिवाइड कर लिया, जिसको अनुपात में बांटते ऐसे हैं अभी 1/1.2 = 3 = 400। दूसरे में कहता है क्यू को पी और आर का एक तिहाई मिलता है, तो क्यू को पी और आर का एक तिहाई मिलता है तो 1:3, तो क्यू को कितना मिलेगा 1200 × 1/4 कितना मिला 300 रुपए, ये समझ में आया। तो पी को मिला 400 रुपए, क्यू को मिला 300 रुपए, 700 रुपए हो गया। अब कौन बचा आर, तो R को कितना मिलेगा 1200 - 700, तो 1200 में अगर हम 700 घटा दें तो R को कितना मिलेगा 500, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं R को कितना मिलेगा 500 रुपया, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से इन क्वेश्चंस को करने के बाद में आपको समीकरण बनाने तो आ गए होंगे, ठीक है, और बाकी तो देखो मैं बार बार कहता हूँ हमारी प्रैक्टिस होती है, जितने आप क्वेश्चन सॉल्व समाधान करेंगे उतने ही आपके चीजें निकलती जाएंगी। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमने 3-4 चीजों के क्वेश्चंस करे, भिन्न से संबंधित, संख्याओं से संबंधित, समीकरण बनाने और आयु से संबंधित, और कुछ जनरल क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर में सीखे। आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ में आया होगा, आपसे एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी कम है, क्योंकि बहुत कम बच्चों के फोन आते हैं वहां से, बिहार, झारखंड,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इन जगहों पर जो बच्चे हैं आप आपस में वीडियोस को शेयर करिएगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी रीच पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चले कि हिंदी मीडियम के वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल के ऊपर। मेरा नंबर दिया होता है वीडियो के ऊपर, तो उस नंबर का मतलब है कि आप मुझसे कोई एडवाइस चाहते हैं, सजेशन चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं। क्वेश्चंस का समाधान करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत फोन आते हैं एक दिन में, बहुत व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, मेल आती हैं, तो आप उस फोन नंबर का यूज कर सकते हैं। किसी एग्जाम के बारे में कुछ जानकारी आपको चाहिए या किसी पर्टिकुलर विषय में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप उसे यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।